हिंदू उत्सव समिति और धर्मेंद्र सिंह बैस द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरा मिलन और विशाल चीनी रावण दहन का कार्यक्रम बासी दशहरा पर आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पानी के गिरते हुए भी धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम, जमीनी और आसमानी आतिशबाजी के साथ राम लक्ष्मण हनुमान की सेना वर्ल्ड रिकॉर्ड कलाकार टीकम राय द्वारा सभी प्रकार की आवाज निकाल कर जनता का मनोरंजन और रॉकेट से रावण का दहन किया गया। साथ ही कोरोना योद्धा डॉक्टर सौरभ शर्मा और डॉक्टर पवन चिल्लौरिया का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि विधायक श्रीमंत गायत्री राज्य पवार का स्वागत पुष्प गुच्छ और चुनरी भेंट कर महिमा बैस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुभाष शर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, विजय पंडित दुर्गेश अग्रवाल, ठाकुर राजेंद्र सिंह बैस जनपद उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री भाजयुमो सचिन जोशी, गणेश पटेल, राजेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस ने सभी का आभार माना और राजमाता जी ने सभी को दशहरे की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन प्रिंस सरौनिया द्वारा किया गया। हर वर्ष दशहरे के दूसरे दिन बासी दशहरे का हम आयोजन करते हैं। आज करीबन 22 वर्ष से ज़्यादा आयोजन करते करते हो गया, और आज हमने जो राउंड रेन का राउंड रेन का कार्यक्रम हमने रखा है, और यह संदेश है कि एक तक जो आतंकवादी, दूसरा जो चाइना भारत हर समय दबाव बनाता है, आज उसका पुतले के रूप में हमने राउंड रेन करने जा रहा है चाइना का। आज हमारे अतिथि में देवास के लोकप्रिय विधायक हमारे राजय पवार जी, और देवास के जो कोरोना काल में जिन्होंने हमारा देवास में जो 2004 डॉक्टर थे, ये मैंने आज में अच्छे अच्छे परिवार रिश्तेदार सब छोड़ के भगे, डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी तो कोरोना काल में सब मरीजों का इनका इलाज किया। ऐसे डॉक्टर हमारे जी है, हमारे शर्मा जी है, पवन जी है, इनका भी हम सम्मान करने वाले। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।